हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी शालिनी। सो आज का वीडियो होने वाला है समर वेडिंग साड़ीज के ऊपर। सो आई हैव पिक्ड अप 7 साड़ीज और सारी की सारी जो साड़ीज हैं वो अप्रोप्रिएट हैं फॉर समर वेडिंग्स। लाइक समर वेडिंग्स अब जस्ट आने ही वाली है, लाइक आने के वाली है, कुछ तो हो भी चुकी है और अब और भी आने वाली है लाइक मई जून में। एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें कुछ ऐसा लाइट फैब्रिक चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे बॉडी पे, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी ना हो, एज वेल एज बहुत ज़्यादा एलिगेंट भी लगे, कि ऐसा नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा प्लेन सा साड़ी पहन लिया है वेडिंग में। सो आई हैव वेरी प्रिटी साड़ीज और मैंने ट्राई किया है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पिक करूँ इस बारी। एंड या दिस इज़ वन ऑफ द साड़ी विच आई एम वियरिंग और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने ऑर्गेन्जा नेट वगैरह के फैब्रिक पिक किए हैं जो कि अप्रोप्रिएट है फॉर समर वेडिंग्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू साड़ीज कि मैंने कौन कौन से पिक किए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल वीडियो होने वाला है क्योंकि सारी की सारी साड़ी 700 या 800 के अंदर ही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हेयर इज द फर्स्ट साड़ी विच इज इन अ रेड कलर और इसका फैब्रिक है ऑर्गेन्जा। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि फर्स्ट ऑफ तो इसका कलर रेड है और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एज वेल काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है क्योंकि हम फैब्रिक की बात करें तो ऑर्गेन्जा है एंड वर्क भी एकदम मिनिमल है। आप देख सकते हैं इसका ये जरी का बॉर्डर दे रखा है। एज वेल ये बीजिया ये बीजिया गोटा भी दे रखा है ऑन द एंड और ग्रीन कलर की पाइपिंग दे रखी है। तो आप इसको ग्रीन एज वेल एज रेड कलर के ब्लाउज के संग पेयर कर सकते हैं। मैंने रेड कलर के ब्लाउज के संग पेयर कर रखा है, ऑफकोर्स नहीं सिलवाया। ये रेड आराम से जा रहा है एंड ग्रीन के संग भी पेयर कर सकते हैं। एंड इसका बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एंड उसके बाद ये पल्ला दे रखा है एंड पल्ले पे भी काफ़ी प्रिटी वर्क दे रखा है। एज यू कैन सी ये पूरा जरी का वर्क, गोटा पट्टी का वर्क है एंड या छोटी छोटी बूटियां भी दे रखी हैं ऑल ओवर साड़ी और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लाइक इजी टू कैरी है समर्स में और समर वेडिंग्स के लिए इट्स लाइक द अप्रोप्रिएट साड़ी। सो या यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस वन। और अगर आपको रेड कलर पिक नहीं करना है तो आप कोई दूसरा कलर भी पिक कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस, बट आई लाइक रेड द मोस्ट। एंड या ओके, सो हेयर इज द सेकेंड साड़ी विच इज इन येल्लो कलर और इसमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये वही साड़ी है जिसका ब्लैक कलर वॉज लाइक हाइप्ड, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो मुझे ब्लैक ना मंगा के मुझे डिफरेंट कलर ट्राई आउट करना था एंड आई पिक्ड अप येल्लो एंड आई लाइक दिस वन। इसका फैब्रिक इज जूट सिल्क, परफेक्ट फॉर समर वेडिंग्स। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, सॉफ्ट ऑन स्किन है एंड दिस इज द येलो कलर। आप इसको हल्दी मेहंदी में इजीली कैरी कर सकते हैं एंड या इसको पेयर कीजिए रेड ब्लाउज के संग, आपको अलग से ब्लाउज सिलवाने की जरूरत भी नहीं है। एंड इस पर छोटा छोटा मिरर वर्क है विच आई लाइक और थ्रेड का वर्क है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, ऑलवेज इन फैशन रहता है, कभी भी फैशन के साथ आउट नहीं होता है। एंड या ऐसा कुछ तड़क भड़क नहीं है, एकदम सिंपल सोबर वेरी प्रिटी साड़ी है, काफ़ी लाइट वेट है एंड या इसके संग आपको ब्लाउज भी मिल जाता है। लाइक सारी साड़ीज के संग ही आपको ब्लाउज मिल जाता है एंड या ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस टाइप से आपको ये रेड कलर का डिटेलिंग लाइक छोटू टाइप का बॉर्डर मिल जाता है और बोथ दी साइज और इस पर रेड कलर का ही थ्रेड वर्क हो रखा है, छोटे छोटे से मिरर वर्क हो रखा है। एंड या मुझे ये वाली साड़ी भी काफ़ी पसंद आई एंड या दैट्स दैट। और ऐसा फैब्रिक नहीं है मोटा कि आपको गर्मियों की शादी में इसमें गर्मी लगेगी, वेरी लाइट वेट एंड या दैट्स दैट। ओके, सो हेयर इज द नेक्स्ट साड़ी विच इज इन अ बॉटल ग्रीन कलर और इस पर फुल ऑन गोल्डन कलर का सीक्वेंस का वर्क हो रखा है। एंड या दिस इज लाइक परफेक्ट फॉर योर मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन या फिर छोटा मोटा लाइक संगीत फंक्शन, छोटे मोटे फंक्शंस में हम इनको इजीली कैरी कर सकते हैं। फैब्रिक इज जॉर्जेट तो काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी कंफर्टेबल है बॉडी पे एंड इसके संग इसका ब्लाउज पीस भी मिलता है, बट जो ब्लाउज पीस है वो थोड़े थिक वाले फैब्रिक का है। सो माइट भी आप समर में उसको कैरी ना कर पाए तो आप चाहे तो उसको कॉन्ट्रास्ट में पहन सकते हैं विद द रेड कलर जैसे मैंने पेयर कर रखा है या फिर ग्रीन ब्लाउज सबकी वार्डरोब में होता है या फिर गोल्डन ब्लाउज
के साथ भी काफी प्रिटी लगेगा. एंड या यू सी द वर्क इज लाइक सो प्रिटी सो नाइस. तो ये डे एज वेल एज आप नाइट के फंक्शन में इसको पहन सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा. ओवरऑल साड़ी इज लाइक भरी हुई, पूरा फुल वर्क है इसमें. एंड या एंड इस टाइप से छोटा सा बॉर्डर वाली डिटेलिंग दे रखी है ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी. सो या काफी ज्यादा सुंदर साड़ी लगी मुझे ये वाली भी. आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं फॉर दिस समर वेडिंग. एंड या हियर इज द नेक्स्ट साड़ी विच इज लाइक टोटली डिफरेंट कलर मैंने पिक किया है. दिस इज समवट लाइक रस्ट ऑरेंज, थोड़ा ब्राउनिश टाइप का शेड है. एंड टू बी फ्रैंक मैंने इसको कलर की वजह से नहीं, इस वाली डिटेलिंग की वजह से पिक किया था. ये जो यहाँ पे ये बॉर्डर सिक्वेंस का बॉर्डर लगा हुआ है उसके बाद ये जो डिटेलिंग दे रखी है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, प्रिटी लग रही है. बोथ दी साइड्स दे रखी है. एंड या ये भी इस टाइप का कलर है कि आप इसको कॉन्ट्रास्ट या किसी भी कलर के ब्लाउज के संग पेयर अप कर सकते हैं. मैंने अगेन रेड के संग ही कर रखा है, आप इसको ग्रीन के संग भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा. जरूरी नहीं आप ब्लाउज सिलवाएं. सो फैब्रिक इसका जॉर्जेट है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, परफेक्ट फॉर समर वेडिंग्स है. एंड या छोटा छोटा इस पे वर्क हो रखा है, लाइक इस टाइप का ये सीक्वेंस का वर्क हो रखा है ऑल ओवर द साड़ी. एंड इस टाइप का ये बॉर्डर दे रखा है जो कि मुझे अच्छा लगा है. तो अगेन आप इसको थोड़ा जैजअप भी कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर शादी के दिन पहन रहे हैं तो, नहीं तो आप इसको छोटे मोटे फंक्शन में जरूर कैरी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है. एंड या दैट्स अबाउट दिस वन, काफी ज्यादा अच्छा है. एंड पल्ले पे तो पूरा इस टाइप से ये वर्क दे रखा है, ऑल ओवर साड़ी में ही वर्क दे रखा है. सो या दैट्स अबाउट दिस वन. आपको कैसी लगी साड़ी टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. मुझे काफी ज्यादा पसंद आई. एज वेल एज अगर आप थोड़े कर्वी साइड या प्लस साइज पे, तो जॉर्जेट फैब्रिक इज वन सच फैब्रिक जो कि काफी अच्छे से आपकी बॉडी को हग करता है एकदम, और काफी अच्छा लगता है लाइक जॉर्जेट फैब्रिक का साड़ी ऑन द कर्वी बॉडी टाइप. सो या दैट्स अबाउट दिस वन. ओके सो हियर इज द नेक्स्ट साड़ी विच आई डिडेंट लाइक एट ऑल. ये मैंने नेट की साड़ी मंगवाई थी, वो काफी डिफरेंट लग रहा था ऑन द वेबसाइट, बट इन एक्चुअल इट लुक्स रियली डिफरेंट. और इसका फैब्रिक भी नेट नहीं है, अजीब सा फैब्रिक है, स्ट्रेचेबल वाला फैब्रिक, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. तो मैं इसका इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती. इट्स लाइक 2/10 कहूंगी मैं इसको. कुछ भी नहीं है इसमें जो ऑनलाइन वेबसाइट पे शो किया हुआ था. सो या दैट्स अबाउट दिस वन. और ब्लाउज आप देख लेना, साइड में क्लिपिंग लगा दूंगी. बहुत ज्यादा अजीब सा ही इसका ब्लाउज है, फुल सीक्वेंस वाला, काफी ज्यादा मोटा फैब्रिक है, तो समर्स में आप ये साड़ी नहीं पहन सकते. इस टाइप का फैब्रिक है जो बॉडी पे काफी ज्यादा स्टिक होगा. सो समर्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, सर्दियों के हिसाब से भी नहीं है. साड़ी ही अजीब सी है, कुछ और शो कर रखा है नेट, और वर्क भी काफी डिफरेंट शो कर रखा था. बट एज एंड व्हेन आई रिसीव दिस तो टोटली डिफरेंट लगा मुझे ये. सो या ओके सो हियर इज द नेक्स्ट साड़ी विच इज इन अ नेट फैब्रिक, बट ऑनलाइन ऑर्गेन्जा लिखी हुई थी. आई डोंट नो नेट है ऑर्गेन्जा, मुझे तो थोड़ा नेट फील हो रहा है, शायद नेट ऑर्गेन्जा मिक्स हो, व्हाटएवर. जो भी है फैब्रिक समर के लायक है, वेरी प्रिटी वेरी नाइस साड़ी. इसमें तीन कलर्स अवेलेबल है, एक ये है, दो कलर्स और अवेलेबल, तीनों पेस्टल कलर्स हैं. मैंने ये पाउडर ब्लू कलर पिक किया जिसपे आप देख सकते हैं थ्रेड की पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, पूरा वर्क हो रखा है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एज यू कैन सी. और मैंने इसको पेयर किया है अभी व्हाइट कलर के टॉप के संग, का हुआ टॉप के संग भी पेयर कर सकते हैं, और एल्स इसका ब्लाउज भी स्टिच करवा सकते हैं. इसका ब्लाउज बहुत सुंदर है, व्हाइट कलर में फुल एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. एंड या पल्ला इज लाइक फुल हैवी. एंड या मुझे साड़ी काफी ज्यादा पसंद आई. गर्मी के हिसाब से इसमें पेस्टल कलर्स अवेलेबल है, तो दिन के फंक्शन में आप इजीली पहन सकते हैं. समर वेडिंग के हिसाब से दिस इज लाइक द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू. आप इसको डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं. मुझे काफी पसंद आई, लाइक पता नहीं कितनी बार बोलूंगी. बट या मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़े कर्वी साइड पे होते हैं वो थोड़े मोटे लग सकते हैं इन फैब्रिक्स की साड़ी में. बट एनीवेज आप लॉन्ग टॉप के साथ भी पहन सकते हैं चाहे तो. एंड या दैट्स अबाउट दिस वन. ओके हियर इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट साड़ी.
एंड ये भी नेट फैब्रिक की साड़ी है विच इज इन अ नेवी ब्लू लाइक डार्क ब्लू कलर. इसके अंदर भी आपको काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड यू गाइज एप्रिशिएट द वर्क ऑफ द साड़ी जस्ट बिकॉज इसके वर्क की वजह से मैंने इसको पिक किया है एंड यू सी बहुत ही ज्यादा प्रिटी वर्क है. सिल्वर कलर का वर्क है इसपे, बीच में ये पर्ल्स भी दे रखे हैं. बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड सा इसका वर्क है ऑल ओवर. इस टाइप से ये बॉर्डर दे रखा है एंड पूरे फूल पत्तियां इस टाइप से चीजें बनी हुई हैं विच रियली लुक्स वेरी नाइस. और नीचे भी आपको वर्क मिल जाता है यहाँ पे और पल्ला भी इट्स लाइक ऑल हैवी एंड या मुझे ये साड़ी भी काफी ज्यादा पसंद आई. आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं. समो वेडिंग्स में इसको पहन सकते हैं, वेडिंग वाले दिन भी इसको पहन सकते हैं. काफी ज्यादा हैवी साड़ी है एंड जस्ट 1000 रुपीज में है ये साड़ी एंड यू गाइज बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टील डील है एंड आप पूरा सिल्वर ज्वेलरी के संग जायजअप कर सकते हैं. अगेन आप चाहे तो इसको सिल्वर के संग पेयर कर सकते हैं लाइक सिल्वर ब्लाउज या व्हाइट ब्लाउज के संग. इसके संग इसके कलर का ही ब्लाउज आया है और स्लीव्स वगैरह पे बॉर्डर दिया हुआ है एंड या काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे ये वाला कलर. एकदम डिफरेंट ऑप्शन है, इस टाइप का कलर मेरे पास मेरे वार्डरोब में नहीं है एंड या दैट्स अबाउट दिस वन.